मलाला यूसुफ़ज़ई एक ऐसा नाम जो हिम्मत, लचक और तालीम की अंतक जुस्तजू से गूंजता है। इसकी कहानी पाकिस्तान के वादी स्वात के एक शहर, दिलकश शहर मेंगवारा से शुरू होती है। 12 जुलाई 1997 को पैदा होने वाली मलाला एक ऐसे घराने में फली बड़ी जिसमें तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। इसके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई एक पुरजोश मुअल्लिम और स्कूल के मालिक थे, जिन्होंने मलाला में सीखने और जिंदगी को बदलने की ताकत के लिए गहरी तारीफ पैदा की। नौजवान लड़की के तौर पर मलाला का तालीम के लिए जज्बा वाज़ह था। इसने अपने वालिद के स्कूल खुशहाल पब्लिक स्कूल में तालीम हासिल की, जहां उसने तालीमी लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और कायदाना सलाहतियों का मुजाहिरा किया। ताहम उन इब्तदाई सालों में भी तालिबान के बढ़ते हुए असर व रसूख की वजह से वादी स्वात एक तब्दीली से गुजर रही थी, जिन्होंने इस्लामी कानून की अपनी सख्त तशरीह मुसल्लत करने की कोशिश की। 2007 में इस खित्ते पर तालिबान की ग्रिप सख्त हो गई और उन्होंने लड़कियों की तालीम समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी। मलाला उस वक्त 10 साल की थी। खुद को एक ऐसी जंग में सबसे आगे पाया जिसका उसने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। उसने BBC उर्दू के तखल्लुस से एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, जिसमें तालिबान के जाबिराना हुक्मरानी के दौरान उन्हें और दीगर लड़कियों को दरपेश चैलेंजेस की तफसील दी गई। पाकिस्तानी स्कूल गर्ल की डायरी के उनवान से उस ब्लॉग ने लातदाद लड़कियों की जिद्दोजहद और उमंगों को आवाज दी, जिन्होंने तालीम हक से महरूम रहा था। मलाला के ब्लॉग ने बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो मबजूल कराई और उसकी शनाख्त सामने आई है। खौफ होकर उसने तालीम की वकालत जारी रखी, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक दस्तावेजी फिल्म में भी दिखाई दी। उसकी फ़ालियत में इजाफा हुआ और उसने अपनी फसाहत और अटल अज़म के साथ दुनिया की तवज्जो हासिल करते हुए इंटरव्यूज और अवामी फोरम्स में बोलना शुरू किया। ताहम 9 अक्टूबर 2012 को सानहा पेश आया। मलाला को तालिबान के एक बंदूक बरदार ने उस वक्त सर पर गोली मारी जब वो स्कूल बस में थी। ये हमला उसकी वकालत को खामोश करने की कोशिश थी, लेकिन उसने सिर्फ उसकी आवाज़ को बढ़ा दिया। मलाला को तिबी इलाज और बहाली के लिए हवाई जहाज से बरतानिया ले जाया गया। उसकी मुआजजाना सेहतियाबी ने तालीम के लिए लड़ने के उसके अज़म और भी मजबूत हुआ। मलाला की बका और असम की कहानी ने दुनिया भर के लोगों को मुतासिर किया। उनकी कोशिशों के एतराफ़ में उन्हें 2013 और 2014 में अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद किया गया। 2014 में 17 साल की उम्र में मलाला ने एक हिंदुस्तानी कैलाश सितारदी के साथ ये एजाज बांटते हुए 17 साल की उम्र में नोबल आलम इनाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र बन गई। बच्चों के हकूक के कारकुनों इस एजाज ने इस आलमी सतह पर तवज्जो दिलाई और तालीम और लड़कियों के हकूक के लिए एक आइकन के तौर पर उसकी पोजीशन को मुस्तहकम किया। मलाला का सफर नोबल इनाम के साथ खत्म नहीं हुआ। उसने एक यादाश्त में मैं हूँ मलाला के साथ शरीक तनसीब की, जो बैनुल अक़वामी बेस्ट सेलर बन गई। उसने मलाला फंड के जरिए लड़कियों की तालीम के लिए वकालत जारी रखी, एक ऐसी तंजीम जिसे उसने अपने वालिद के साथ मिलकर कायम किया था। फंड का मिशन हर लड़की के लिए 12 साल के मुफ्त महफूज और मायारी तालीम को यकीनी बनाना है। आज मलाला यूसुफ़ज़ई उम्मीद की किरण बनी हुई है, जो दुनिया को दिखा रही है कि एक पर्द का अजम एक तहरीक को जन्म दे सकता है। उसकी कहानी एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि तालीम न सिर्फ एक बुनियादी हक है, बल्कि मुस्बत तब्दीली का एक ताकतवर जरिया भी है। मलाला की हिम्मत और लचक ने लातदाद अफराद को उस बात के लिए खड़े होने की तरगीब दी है जिस पर वो यकीन रखते हैं, और उसकी मीरास दुनिया भर में तालीम और सनपी मसावात के लिए जारी जुद्दोजहद को तश्कील दे रही है। काम टीवी के साथ अपने मेजबान मंसूर खान को दीजिए इजाजत और देखते रहिए काम टीवी। अल्लाह हाफिज़।